हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था तुगलक राजवंश की स्थापना शताब्दी। तो देखिए, तुगलक वंश जो है ये 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। बात करें तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 से 25 ईस्वी तक कुल 5 वर्षों तक ये सुल्तान रहा। इसका मूल नाम गाजी तुगलक था। नसरुद्दीन खुसरो की हत्या के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण भी इसने कराया था। इसका उत्तराधिकारी था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश जो है 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि श्री गोविंद जी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, श्री गोविंद जी का जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन अगर आपका उत्तर प्रदेश होगा तो उस पर भी टिक कर सकते थे, राजस्थान पर हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे। देखिए, जो श्री गोविंद जी का जो मंदिर है राजस्थान में, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर राजस्थान का प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंदिर जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर वाला मंदिर है। यह चंद्रमहल के पूर्व में बने जन निवास बगीचे के मध्य अहाते में स्थित है। संरक्षण देवता गोविंद जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहाँ पुनः स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारत में ताऊते चक्रवाती तूफान जो है ये कब आया था। तो भारत में ताऊते चक्रवाती तूफान 14 मई 2021 को आया था। चक्रवात ताऊते 2021 बेहद गंभीर चक्रवात ताऊते 17 मई 2021 को दक्षिणी गुजरात के तट से टकराया था। ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय भारत कोविड-19 की दूसरी लहर की प्रचंडता से जूझ रहा था। एक क्वेश्चन गाइस आपका जो था हड़प्पा सभ्यता के स्थल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कांस्ययुगीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में कानून की जो अवधारणा है गाइस, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह प्रदान करता है कि संविधान भूमि में सर्वोच्च शक्ति होगी और विधायी और कार्यकारिणी को संविधान से अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। विधि शासन की अवधारणा को भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा संविधान लिया गया है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपाध्यक्ष का पद, ये सभी जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ USSR यानी कि रूस। तो देखिए, सोवियत संघ यानी कि रूस से जो है अनुच्छेद लिया गया, अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। जापान की बात करें तो जापान से देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की बात करें, देखिए ब्रिटेन यूके से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन यूके सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता, रिट, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका द्विसदनीय, ये लिया गया ब्रिटेन यूके से। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं भारत में। देखिए गाइस, एक क्वेश्चन पूछा गया था भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा था। ये ऑप्शन थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश।
तो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य थे तमिलनाडु। एक क्वेश्चन था कि भाजा में रॉक कट गुफाएं कितनी, तो भाजा में रॉक कट गुफाएं हैं 22। भाजा गुफाओं को दक्कन में सबसे पुराने बौद्ध रॉक कट मठों में से एक के रूप में जाना जाता है। ये दूसरी शताब्दी ईस्वी सन का है। गुफाओं के इस समूह में 22 गुफाएं शामिल हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खैर नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना किसने रखी थी, तो दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। एक क्वेश्चन था गाइस कि दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर किसे कहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासन था 1296 से 1316। उसने खून और फौलाद की नीति को अपनाया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है अगर पेपर में पूछा जाए कि खून और फौलाद की नीति ये किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान था। ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना, ठीक है। दूसरी बात, उसने घोड़ों को दागने की प्रणाली शुरू की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि घोड़ों को दागने की प्रणाली जो कि है, ये किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों की एक सूची भी रखी। उसने श्री गांव के पास प्रसिद्ध हौज खास का निर्माण भी करवाया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने लेना है, ठीक है। उसने 1000 स्तंभों के महल अली दरवाजा का निर्माण कराया। तो अली दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए खून और फौलाद की बलवन नीति को अपनाया। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय है। तो राजस्व व्यय के बारे में जान लीजिए। राजस्व व्यय सरकारी व्यय का वह भाग है जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। इसमें देखिए, वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज का भुगतान इस श्रेणी में राजस्व व्यय उदाहरण के रूप में आते हैं। इसके अलावा ध्यान दें कि सरकार द्वारा अपनी परिचालन आवश्यकताओं के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। ब्याज का भुगतान सरकार का राजस्व व्यय है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी, तो 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी, 4.25%। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सीमांत स्थायी सुविधा 6.15% है। मौजूदा रेपो रेट 5.90%। उन्हें कब लगाया जाता है, जब RBI योग्य अनुसूची बैंकों को धन प्रदान करता है, तो MSF दर लागू होती है। देखिए, मैथ में क्या क्या पूछा गया था जान लीजिए। मैथ में कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए, देखिए मैथ में एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज से 4 प्रश्न पूछे गए थे, परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे गए थे, मेंसुरेशन से 5 प्रश्न पूछे गए थे। अब देखिए, रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया, तो रीजनिंग में वर्बल से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉन वर्बल से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो ईजी पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे गए थे, ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, और फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग यानी पेपर को काटना, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, हेडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और स्पीकर एनालॉगी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लासिफिकेशन से 4 प्रश्न पूछे गए थे। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में गद्यांश जो पूछा गया था आतंकवाद से पूछा गया था। अगर आपके आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो गद्यांश देख लीजिए, हो सकता है गांधी जी से भी पूछ लिया जाए अगली शिफ्ट में, किसी भी से भी गद्यांश पूछा जा सकता है। और गद्यांश में देखिए लगभग 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे गए थे, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछे गए थे, वाक्य त्रुटि से प्रश्न पूछे गए थे, संज्ञा से 1 प्रश्न पूछा गया था, 1 प्रश्न लिंग से पूछा गया था, संधि से भी प्रश्न पूछे गए हैं, समास से भी प्रश्न पूछे गए हैं, सर्वनाम से भी प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषण से भी प्रश्न पूछे गए हैं, मुहावरे से प्रश्न पूछे गए हैं, और शब्दांश से भी प्रश्न पूछे गए हैं, गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, कारक से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और अव्यय से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये था आप लोगों का आज का पेपर CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।